नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल टेक्निकल आंसर में। और मैं दोस्तों वेद कुमार पटेल आज आपको कक्षा दसवीं का त्रैमासिक परीक्षा 2021 का विषय सामाजिक विज्ञान पेपर का फुल सल्यूशन लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें आपको पूरा उत्तर मिलेगा दोस्तों इसमें आपको। तो आप देखते जाइए वीडियो के एंड तक, जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। या दोस्तों आपका कक्षा दसवीं का पेपर है दोस्तों, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा दोस्तों, विषय सामाजिक विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि फुल सल्यूशन लाया हूँ। प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प ज्वरीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य। इसका सही आंसर है पुनः पूर्ति योग्य, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा, निम्नलिखित में से किस प्रांत की सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरांचल। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है खा, राजस्थान, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों, चौथा, सार्वजनिक की निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो इसका सही उत्तर है घा, आय। अब चलते हैं दोस्तों पांचवें, जब भारतीय संघ का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों का, संविधान द्वारा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, फुल सल्यूशन है कक्षा दसवीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर जो आज आपका होने वाला है 1/10/2021 को। तो फुल सल्यूशन है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपके सही विकल्प हो गए दोस्तों, तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया दोस्तों। स्क्रीनशॉट करते जाना है आपको, कक्षा दसवीं का फुल सल्यूशन है जैसा कि मैं आपको बार बार बताऊंगा। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है, सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है, इसका सही उत्तर है। दूसरा, खाली स्थान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं को उत्पादन नहीं करते, सही उत्तर है इसका तृतीय। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक रिक्त स्थान का तीसरा, सूर नापने की इकाई खाली स्थान है? तो सूर नापने की इकाई डेसिबल है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, श्रीलंका में खाली स्थान भाषा बहुसंख्यक है? तो सही उत्तर है सिंहली। जी हाँ दोस्तों, तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2, सही विकल्प के आंसर हैं दोस्तों, कर लिया दोस्तों। अब ये है दोस्तों पांचवा, भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक खालिस्तान राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 96.2। इसके बाद आ जाता है आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें आपको 7 नंबर मिलेंगे। पहले पूछा जा रहा है 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो उत्तर इसका सोलवा, यहाँ पर राजा था। इसके बाद आता है आपका दूसरा पॉइंट, जिसमें आप इसका सेकेंड है, चोरी चोरी हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही उत्तर है 4 फरवरी 1922 को। कर लिया दोस्तों, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो उत्तर है संसदीय शासन प्रणाली। पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना कहलाता है? इसका सही उत्तर है दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण। देश के बांधों को किसने पत्ते गिरा भारत देते हैं? का मंदिर कहा? तो उत्तर है इसका महात्मा गांधी ने। इसके बाद जाता चौथा वाला, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? नाम लिखिए। देश के बंधुओं को अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक द्वितीयक तृतीय। अब यहाँ पर आता है, चलते हैं दोस्तों अर्थव्यवस्था करते जाइए दोस्तों। कक्षा दसवीं का जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फुल सिलेबस करके लाया हूँ पीडीएफ बनाकर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी बनाइए। सामने इसका पहले का उत्तर है, समान अधिकारी और अवसरों के मामले में 7 नंबर मिलेंगे। महिला और पुरुष खाली स्थान नारीवादी, सही जोड़ी के नंबर मतलब मैंने सामने उत्तर हो जाएगा बी, नारीवादी, समान अधिकारों की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। महिला और पुरुष यहाँ पर हो जाएगा। धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार बनाने में आप मानने वाला व्यक्ति, तो आपको उनके सामने इसी प्रकार से है इसका सही उत्तर। धर्म निरपेक्ष जोड़ी बनाने स्क्रीनशॉट कर लीजिए दोस्तों, ऐसे कुछ स्क्रीनशॉट करते जाइए दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ,
चलिए दोस्तों, ये छठवीं सही जोड़ी सातवीं, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक सात, पांच मार्क की सत्य सत्य। पहले का है सत्य, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है। दोस्तों करते जाइए स्क्रीनशॉट, सत्य सत्य जीडीपी के मर्दों में वर्ष 2003 में तृतीय प्रश्न क्रमांक एक का सत्य, हिस्सेदारी 50% से 60% दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, दो का भी सत्य है, 60% के तीसरे का सत्य है, चौथे का, इसके बाद आता है आपका पांचवी का असत्य है। शिवराज पार्टी का गठन वाला करते जाइए प्रश्न क्रमांक तीन का असत्य है, तो आप स्क्रीन शॉट करते जाइए दोस्तों, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा दोस्तों। प्रश्न क्रमांक चार सत्य है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। प्रश्न क्रमांक पाँच में की असत्य है, तो आप इसको भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए। कर लिया दोस्तों स्क्रीन शॉट। कांग्रेस की स्थापना 1885 प्रश्न क्रमांक महात्मा गांधी ने की थी, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों। और प्रश्न क्रमांक छह, तो आप इसको भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए दोस्तों, स्क्रीन शॉट करते जाइए दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर छह की तरफ। कल्पना आदर्श यूटोपिया से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, तो जी हां दोस्तों प्रश्न क्रमांक छह का ये उत्तर है। आप इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए दोस्तों। कल्पना दर्शन, ठीक है, यूटोपिया एक समाज की कल्पना है जो इस इतना जो इतना तो ये आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। यह बात सुनी दार्शनिक प्लेटो अफ्तालो द्वारा यूटोपिया नामक पुस्तक में यूटोपियन थ्योरी के नाम से वर्णित है। इसका बाद आता है आपका प्रश्न नंबर सात, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर सात में आपसे पूछा जा रहा है, इसका मैंने अथवा का उत्तर लिखा था, अथवा का उत्तर आपको लिखना है। आधारवाद का अर्थ प्रश्न छह, बालकन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्यों की अंग्रेजी भाषा के अथवा लिबरलिज्म का हिंदी अनुवाद है, इसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द लाइबरिटी से जुड़ी है। इस दृष्टि से यह स्वतंत्रता से सम्मिलित है। इस अर्थ में उत्तरवाद का अर्थ है व्यक्ति का स्वतंत्रता का सिद्धांत। आपको आंसर में लिखना है, आपको आंसर सलूशन करके लाया हूं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर आठ, चलते हैं प्रश्न क्रमांक बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो आपको उत्तर में लिखना है। बहिष्कार का अर्थ विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ सरकारी सेवाओं प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार करना था। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर नवा, इसमें आपसे पूछा जा रहा है दबाव समूह क्या है, तो आपको उत्तर में लिखना है। दबाव समूह के संदर्भ में कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता से को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उसे संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर दस, जिसमें पूछा जा रहा है सत्ता पहुँचने की विकास क्या है, उत्तर में लिखना है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना तथा भविष्य में स्क्रीन शॉट करते जाइए, उपलब्धता को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में किए जाने वाले विकास विकास चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी इसके बाद चैनल पर दी जाएगी। तो जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 आपका बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 बेरोजगारी, उस बेरोजगारी को स्क्रीन शॉट कर लीजिए दोस्तों, इसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। स्क्रीन शॉट करते जाइए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पक्का रियल पेपर लिया जाए तो दसवीं सामाजिक विज्ञान में कोई अंतर नहीं आएगा दोस्तों। इसके बाद आता है मेहनत लगी है पीडीएफ बनाने में, तो आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13, जैव विविधता क्या है, क्योंकि दोस्तों वीडियो में एंड तक देखने के लिए अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन से सब्जेक्ट का पेपर चाहिए जीवों के जीवन के।